राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी हम लोग सूरत पार किए हैं। हमारी सूरत तो सूरत ही है, लेकिन अभी हम लोग सूरत पार किए हैं। तो आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बॉम्बे। आज रात में बॉम्बे घुस जाएंगे। तो भाई हो गया यार, फिर से एक समस्या खड़ी हो गई। नहीं मिला पता नहीं कहां से प्रेशर का नीचे जा रहा। भाई प्रेशर पाइप सारी सही है, पता नहीं प्रेशर कहां से लीक हो रहा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है पूरी। मतलब टंकी में प्रेशर है, पाइप से निकल भी नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि समस्या हुई कहाँ है। बिल्कुल यार मिल ही नहीं रहा है, दो दो आदमी ढूंढ रहे हैं फिर भी, और सामने मीटर में जीरो हो गया है और क्लच भी काम नहीं कर रहा है। गाड़ी हो गई रोड में खड़ी। तो भाई साहब ये मेरी गाड़ी का कमाल, एकदम धुआं दे रही है भैया। इसका ना हैंड ब्रेक छोड़ नहीं रहा है। हैंड ब्रेक न छोड़ने की वजह से प्रेशर बनी नहीं रहा, तो हैंड ब्रेक कहाँ से छोड़ेगा। यहाँ से टाटा टेल्को 2 किलोमीटर और है, सोचा चली जाएगी, तो नहीं भाई, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। देखो ये पूरा मेरी गाड़ी का ही धुआं है, जो धुआं धुआं निकल रहा है। हालत खराब कर दी गाड़ी इस चक्कर, पता नहीं साला क्या नक्षत्र चल रहा है। पहला अगला टायर चला गया, दूसरा ये। तो भाई हमारी समस्या कुछ यूं प्रकार है कि हम यहाँ 10 बजे आ गए थे टाटा टेल्को में, ये सामने, और अभी बज रहे हैं 2:30। तो मतलब 10 बजे से आया है, 2:30 बजे मेरी गाड़ी में काम स्टार्ट हुआ है प्रेशर का। तो भाई सब अभी बज गए हैं 4, और अभी तक हमारा जॉब कार्ड नहीं बना है इस टाटा रिपेयर सेंटर में। अभी जा रहे हैं फिर से अंदर, देखते हैं बन जाता है कि नहीं बनता। सुबह से शाम हो गई आज यहीं वापी में ही, देखते हैं क्या बोलता है फिर बताते हैं। अभी ये सूर्य भगवान डूबने की स्थिति में आ गए, शाम के कितने बज रहे हैं, 5:32। और अभी मेरे गाड़ी का कंप्रेसर और प्रेशर बूस्टर क्या क्या बोलते हैं वो सब खुलेगा, मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ, ये कूलेन गिरा है बाल्टी में रेडिएटर का। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना हो गया है, और आज ना जो मतलब बताया था कि गाड़ी का मतलब प्रेशर
कंप्रेसर बस खुला है, वो रिपेयरिंग के लिए चला गया है। और आज पूरा दिन, मतलब भरूच से निकले थे, भरूच से निकल के वापी पार हुए हैं, बस मतलब वापी में ही है अभी एरिया, वापी लगता है। तो यहीं पे टाटा टेल्को है, उसी में गाड़ी लगाए थे सुबह से, मतलब गाड़ी नाटक करने लगी तो कुछ नहीं हुआ, मतलब काम भी नहीं हुआ, रास्ता भी नहीं कटा। आज का पूरा दिन केवल भरूच से वापी तक के सफर में ख़त्म, गाड़ी परेशान कर दी वो अलग। तो आज कुछ खास नहीं है, बस ये तो वही कल मेरी गाड़ी का कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर खुला था, और आज हो गया दूसरा दिन। तो आज एयर कंप्रेसर होके मतलब सर्विस होके आया, ये सामने रखा हुआ है, और ये मिस्त्री भी आए हुए हैं जो अभी मतलब फिट कर रहे हैं। मतलब कल शाम को 5 बजे बताया था खुला है, आज दिन के दूसरे दिन 2 बजे दिन में 2 से 2:30 बज रहे हैं, तो आज हो रहा है ये फिट। एकदम नया जैसा लग रहा है सर्विसिंग होके आके, इसी के वजह से वही 2 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े। अभी फिटिंग चालू है तो देखते हैं कब तक हो जाता है, फिर यहाँ से बिल उल बनवाए क्या कैसा है, पेमेंट पानी इनका हो जाए फिर निकलते हैं। गाड़ी का मेरे काम हो गया और अभी आ रहा हूँ मतलब टाटा सर्विस सेंटर से, बिल उल भर के पैसा रुपया जो है जो भरा गया, और अभी एडवांस मिला है, अभी निकलना है। तो मतलब 2 दिन लग गए यहाँ वापी, भरूच से वापी आने में। कल का खुली, मतलब कल खुली थी गाड़ी, आज फाइनल काम हुआ है, और आज हम लोग अभी 7 बजे यहाँ से निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं, अगर कहीं रास्ते में रुकना पड़ा तो रुकेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बॉम्बे। चलो चलते हैं। हम लोग ना बॉम्बे पहुँच गए हैं और ये गोडाउन के अंदर भी आ गए हैं, आशीष गोडाउन में। यही खाली करनी थी गाड़ी, रात में ही आ गए थे, सोए तो मतलब सुबह 10 बजे जगे, अभी मतलब 10:30 हो रहा है। कृपाल कल खुल गया है, मतलब 3-4 दिन बर्बाद हो गए इस चक्कर में रास्ते में। देखते अभी तो खाली होने के लिए फोर्कलिफ्ट लगी है, फिर खाली हो जाती है तो ठीक, फिर देखते हैं कहाँ निकलना पड़ता है। मिलते हैं आपसे खाली होने के दौरान। तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी हो गई है खाली, और खाली करके कंपनी के बाहर खड़े हैं आके। अभी मतलब कुछ प्रोग्राम वगैरह मिला नहीं है, और यही बच्चों वाली कुल्फी अभी आई थी तो लिए हैं, हम भी थोड़ा बच्चे बन गए हैं। तो इस ब्लॉग को कहते हैं यहीं पे ख़त्म। इस ब्लॉग में ना 3 दिन लगा है, मतलब एक दिन कच्छ में, दूसरा दिन भी कच्छ, मतलब यहाँ सॉरी कच्छ बोल रहा हूँ, भरूच में, फिर 2 दिन मतलब लग गए वहाँ वापी में, टोटल आज तीसरा दिन हो गया बॉम्बे में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।